और मिलिए हमारी दादी जी से। मैं जा रही हूँ मंदिर दादाजी के पास, उनका एक गिफ्ट भी है वो भी देना है मुझे एक। और छोटे पापा भी आ गए, छोटे पापा ने पहले ही पूजा कर ली थी। गाइस हम जा रहे हैं मूली के खेत में थोड़ी सी मूलियाँ तोड़ने। हमारा एक रूल होता था कि सुबह और शाम हमें रोज मंदिर आना ही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी कैंडी। और जैसे आप देख सकते हो अभी मैं सोकर ही उठी हूँ। कल दिवाली थी और हमने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी अपने गांव में, और मैं और पारुल दीदी ने खूब कल रात गप्पे मारी और बहुत लेट सोए और बहुत लेट उठे हैं हम लोग। मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ से नज़ारा, मतलब मेरे गाँव से बाहर का ये मंदिर और ये नज़ारा, और ये देखो यहाँ से दिखता है एयरपोर्ट। सो गाइज मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर दादाजी के पास, उनका एक गिफ्ट भी है वो भी देना है मुझे एक, तो वो माला जो मैं नीलकंठ से लाई थी और स्लीपर्स है सर्दियों के। तो चलो चलते हैं मंदिर। थैंक गॉड अभी तक दादाजी मंदिर में ही है, मुझे लगा था चले ना गए हो क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हूँ, पर चलते हैं। चलो गाइज, बचपन में ना हमारा एक रूल होता था कि सुबह और शाम हमें रोज मंदिर आना ही है, तो वो वाली आदत होती थी हमें और बहुत अच्छी आदत थी वो। और सुबह सुबह दादाजी यहाँ पर मंदिर में गाने लगाते हैं, गाने नहीं भजन और मंत्र वगैरह लगाते हैं, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती है। और जब भी हम गांव आते हैं तो मंदिर आते ही आते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम। ये वो नीलकंठ से जो मैं माला लाई थी दादाजी के लिए रुद्राक्ष की, और ये स्लीपर्स है। गाइस धूप देखो कितनी अच्छी खिली है और मौसम कितना प्यारा हो रहा है मंदिर पे। और दादाजी ने मुझे प्रसाद में ये दिया है, मैंने इतनी मिठाई खा ली है दिवाली पे, थोड़ी और सही क्योंकि ये तो प्रसाद है ना यार। गाइज और आज है गोवर्धन पूजा, तो गाय की पूजा करते हैं आज, तो हम जा रहे हैं। वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं छोटी मम्मी छोटे पापा, हम भी ऐसे प्रणाम करने जा रहे हैं। चल चल। और आज विश्वकर्मा भी है, तो गाड़ियों की मशीन्स की सबकी पूजा भी करते हैं। चलिए पारुल दीदी ये देखिए यहाँ पे करी हुई है, करी है पापा। हाँ ने। जो जैसे टूल्स जिस चीजों से आपका काम वाम होता है ना, उन चीजों की पूजा करते। तो ये देखो सारी दराठी और इन सब का खेतों का सामान होता है, हल वगैरह इन सब की पूजा कर रखी है। बहुत ही लेट है शायद है। ये देखो गौ माता, देख टीका भी लगा रखा है ना। बड़ी हो गई यार ये, बहुत छोटी। आशीर्वाद दो गौ माता भाई। देखो देख देखो कैसी इस देर तक तेरी वीडियो में आने के लिए कितनी वो हो रही है, एक्साइटेड। इसको देख यार तुम, अक्षु इसको देखो यार। ये भी तो कल तो बड़ी लग रही थी, डरती अभी भी है गौ माता, डरती है यार ये गौ माता। पेट देखो यार, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही यार, तो लास्ट टाइम आया था ना तभी भी हाँ। इतनी थी है ना, कल तो बड़ी लग रही थी, पता नहीं क्यों डरती है यार ये। हाँ अभी भी है ना, अभी भी देख कैसे डर रही है ये, इससे ना ज्यादा लोग नहीं देखे जाते कुछ है इसको। ये सिर्फ मम्मी पापा से नहीं डरती, बाकी सबसे डरती है ये डरती है, ये थोड़ी सी डरती है, इसको ज्यादा लोगों की आदत नहीं है। देखो यहाँ पे टीका लगाया हुआ है, जय माता। और ये भी गौ है, मैं डर गई। और छोटे पापा भी आ गए, छोटे पापा ने पहले ही पूजा कर ली थी और सारी उनकी भी है ना, हल वगैरह सब चीजों की। आज किस किस की पूजा होती है छोटे पापा बता दो। पूजा की फिर हमने अपने औजार होते हल की पूजा की, गाय की पूजा की, फिर गाय की पूजा की, फिर इसकी पूजा की, बच्ची की पूजा की। पापा इसकी आज को कितनी पड़ती है? अभी बच्ची है तो कितनी बच्ची है, इतने महीने तो हो गए उसको, तब से लेकर उतनी है ये है ना, हाइट नहीं बढ़ी इसकी। छह महीने की है, हाइट बढ़ जाती है यार। तुझे फील मत कराया बेचारी को। छोटे पापा अपने से नाम बना रहे थे, छोटी मम्मी ने बनाए हुए सारे नाम देखियो। और छोटे पापा उसका क्या है, अब देख टेस्ट करूंगी, मुझे पता है उसका नाम क्या है। हाँ। छोटे पापा उसका क्या है, उसके क्या नाम है पापा? और गाय के साथ यहाँ पे बिल्लियाँ भी रहती है, और जब भी मैं आती हूँ तो नई बिल्लियाँ मिलती है मुझे है ना। पाल दी उसको, ये देखो बिल्ली देखिए वो कैसे उतावली हुई है, खाने के लिए डर लगता भाई इसको। क्या ये छोटे पापा फीड है, थोड़ा जोर से भी बोलो। छोटे पापा से पूछ जरा क्या नाम है। मिक्स दड़िया है और फीड है, चोकर है, ये देखो ऐसे खिलाना पड़ता है इन्हें। पापा उसका नाम क्या है, देखो पापा से पूछो उसका क्या नाम है। ये सोमा, देखो सोमा। कितना झूठ बोलते हो आप, उसका नाम अक्षु है। सोमा सोमा कोई नाम तो बता, सोमा कोई नाम हुआ। मैं तो खुद डरी।
एज है, सारे बच्चे ये वाली बिल्ली सारे बच्चे इसी के भाई। ये हर 6 महीने में बच्चे करती छे हाँ। और ये पर नहीं खा चुकी है जा हाँ। ये करते भी आप खुद ही कर रहे हो तुम्हारी बूटी ठीक है चलो हमारी गोवर्धन पूजा हो गई है, मतलब ये पूजा तो कर ही ली थी हम, तो बस आशीर्वाद लेंगे अपने चलते गाइस। हमें नेवला दिखाया अभी, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, झूठ बोलती है, चुप रह, कहीं नहीं है नेवला, यहाँ पर है इधर रख कैमरा, ओए वो देखो हाँ। शुक्र है आज मुझे नेवला दिखी गया, ये देखो ये देखो गाइस, ये देखो ये देखो ये देखो भगा, ये कैसा मोटा 2 दिन की मेहनत के बाद मुझे नेवला फाइनली दिख गया भाई बता, मैं जैसे आती थी नेवला सब बोलते थे नेवला नेवला, और मैं जैसे जाती थी तब तो भाग जाता। तूने कभी देखा है कभी नेवले किसी के घर में आते खाने? नहीं नहीं, यहाँ पालतू नेवले है सोचो, यहाँ पे कुत्ते भी आते हैं, बिल्ली भी आती है, और नेवला भी आते हैं। गाइस ये देखो यहाँ पर, ये तो 3 ही है, और कितनी है टोटल? बाकी 2 है। ये तूने देखा यहाँ पे अब नेवले भी आते हैं, कुत्ते भी आते हैं, बिल्ली भी आते हैं, बंदर भी आते हैं, हर टाइप के। आपने कहीं नहीं देखा होगा नेवले पेट्स होंगे कहीं पे भी, हमारे यहाँ पर है। चपाती खाते हैं ना जो इनको देते हैं, तो इनको भगा देते हैं, डरती है उनसे बिल्लियाँ। डॉग्स इनको डराते हैं, नेवले इनको डराते हैं। और मिलिए हमारी दादी जी से, सब लोग बोलते हैं कि दादी जी तो बहुत ही सुंदर है हमारी, तुम्हारी दादी जी के साथ हम कहानियां सुन रहे हैं, किससे कहानियां, मजा आता है बहुत, है ना, एक एक घंटे आराम से कहानियां सुनते हैं हम दादी जी से। और इसे देखो नहा धोआ है तो आज से पहले ही नहा धो के पूजा करी तूने गाड़ी वाड़ी की? गाइस ये लोग इतने शर्माते हैं ना व्लॉग में आने से, देखना ये इतना शर्माते हैं सारे लोग, मैं आपको सबसे मजाक की मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब यहाँ पे वो है ना क्या आज विश्वकर्मा पारा को देखो, ये देखो पीछे गाइस ये अमरूद का पेड़ है देखो, भैया निकाल के देखें, भैया निकाल दो यार एक दो, एक काट रही हूँ मैं खा रही हूँ मतलब। और ये देखो गाइस पेड़ पे चढ़ गए, भैया दो फेंको, शर्मा क्यों रही, आप लाओ, पागल भी ढूंढ रही है कहीं मिल जाए उसको। यार ये वाले कैसे हैं, ये वाले लो भैया सबको फेंक दे, कैच कर इंडियन बंदे, देखो तो ये अमरूद यहाँ पर अच्छा लड़ाई होगी अमरूद के पीछे देखियो सारे कच्चे लग रहे हैं पर मुझे अच्छे हैं। शाबाश भैया शाबाश, आ जाओ, ये हिम्मत किसी किसी में ही है ऊपर चढ़ने की पेड़ पे। गाइस एक बंदा हमें बोल रहा है कि अमरूद खान से उसका पेट खराब होता है, अमरूद खान से पेट ठीक होता है, ये तो सुना था, कह रही है अमरूद खान से पेट खराब होता है, देखे पालू से पालू का नहीं हिमांशी का, छुप रही है। गाइस यहाँ पर मक्की सुखा रहे हैं, मक्की के आटा बनाने के लिए, और ऐसे क्रश करके दान निकाल रहे हैं उसके। और हम इतनी देर से गप्पे वप्पे मार रहे थे सब लोग, सारे कजन्स मिलकर, कुछ मेरे कजन्स हैं वो कैमरा शाय है तो वो कैमरा में नहीं आते, लेकिन बहुत सारे हैं, तो अब थक गए यार, आज तो सोए भी नहीं हम लोग, हम सोचे थे हम दिन में सोएंगे बट हम सो नहीं पाए। गाइस हम जा रहे हैं मूली के खेत में थोड़ी सी मूलियाँ तोड़ने और लकड़ियाँ लाने आग जलाने के लिए। और ये देखो खेत हमारे यहाँ के, ये हमारा खेत है, इसमें पालक है नीचे, और इसमें जो है गोभी लगाई हुई है, अभी गोभी लगाई है इसमें, और वो पालक है नीचे, और ये इसके छोटे पापा देखता है अच्छा दिख रहे हैं। और ये खेत भी है एक हमारा यहाँ पर, चलो चलो जनता चलो, ये हमारा खेत है ये वाला, ये नहीं है हमारा, ये शलगम देखो, और वो देखो एक स्केयर क्रो बनाया हुआ है, पता नहीं कैसा बनाया है शर्ट उतर गई बेचारी, बस शर्ट पहना दी डंडे के ऊपर और उसे स्केयर क्रो बना दिया, कोई कोई नहीं डरता होगा इससे, क्रो तो दूर की बात है, कोई मक्खी भी नहीं डरती होगी इससे। यहाँ देखो कितने सारे अमरूद गिर रहे हैं इस पेड़ से ऊपर से, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये है कड़ी पत्ता जो डलता है सब्जियों में, कड़ी में खासकर, कहाँ है ओहो पहले मैं दोनों रखती हूँ, रास्ता देखना यहाँ वाला, ये आपके हाथ में क्या है तो बता दो, ये दराट है, दराट रस्सी है, तो क्या अभी इसमें हम है तो अभी क्या है? ये लकड़ी है, ये जलाने के लिए है ना, ये लकड़ी और भी आगे, इतना बड़ा लकड़ा है ये तो, पर है और भी है ना, तो मूली पटो कर सकते हैं हम, अब मूलियां तोड़ेंगे, या मुझे मूली के परांठे बहुत अच्छे लगते हैं
मूली खा के पेट खराब होता है पारुल दीदी का। आ गए हम खेत में मूली के। ये देखो गाइस यहाँ मूली लगी हुई है, मैं नहीं तोड़ू यार कोई। ओफ इतनी बड़ी दिखा ना, आई बड़ी तू। अब तू तोड़ के दिखा। तोड़ के ओ शाबाश। ऊपर से मेरे को भी बताओ, मैं भी तोड़ूंगी एक। मोटी मोटी होती थी। तो गाइस अब मैं एक मूली निकालूंगी, और मम्मी ने कहा पहचानी होती जो मोटी मोटी होती है ना, ऊपर थोड़ी जमीन से निकली होती है, वो निकालनी होती है। तो ये मैंने निकाल दी, पर इतनी बड़ी नहीं निकली यार। पर ये तू निकाल एक, ठीक है। और ये हमने मूली तोड़ दी इतनी सारी। अब हम जा रहे हैं गांव में घूमने। ये है कूल जहाँ से पानी आता है खेतों में। ये बात कितनी अच्छी होती है ना, गांव में कोई सब्जी होती है, कुछ भी होता है, फ्रेश खेत से तोड़ो, बनाओ और खा लो, कोई आपको बीमारियां नहीं लगती। क्योंकि जो वेजिटेबल्स मार्केट में होती है उनमें बहुत कुछ यूज़ किया जाता है। ये तो अपने खेत की है, तो खेतों में अपने यूज़ के लिए, तो उसमें कुछ यूज़ नहीं करता है, ऑर्गेनिकली उगाई जाती है ये सारी चीज़ें। गाइस रास्ता देखो, गिरने वाली थी मैं अभी, पतला सा रास्ता हम जा रहे हैं। पहले हम जा कहाँ रहे हैं, एक बारी बता देगी तू? कोई घर है ना, वो मिट्टी का बना है, वो पूरा मिट्टी का घर है, और वो घर इतना साफ रहता है ना। अभी तो बंद है क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे, लेकिन हाँ तो अभी शायद, बट पता है वो ना मिट्टी का घर है पूरा, और वो ना इतना साफ रहता है वहाँ पे, वो मतलब एक बहुत गांव वाली फील आती है, बहुत अच्छी सी। और गाइस ये देखो कुंबर, और ये पिंक पिंक फ्लावर्स छोटे छोटे, और ये है सरसों का खेत। आई थिंक हमारा गांव इतना सुंदर है ना, आधी चीजें भी नहीं दिखाई होगी मैंने आपको अभी, बट बहुत सुंदर है। ये आ गए हैं हम उस घर पे, ये है वो मिट्टी का घर पूरा। आ गए हैं गाइस हम लोग। सो गाइस हम आ गए हैं इस सुंदर से घर में, जो कि पूरा मिट्टी का बना है। और ये देखो यहाँ पर, मतलब ये इनका वो है बालकनी, मतलब वरांदा बोलते पालती जिससे, है ना, वो टाइप है। और यहाँ पे गलगल लगे हैं, और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर बहुत टाइम से जो रहते थे वो नहीं रहते क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये इतना साफ रहता था, इतना साफ रहता था। अब तो उन्होंने थोड़ा बहुत रेनोवेशन कर दिया, बट ये पूरा मिट्टी का था पहले, है ना। और पारुल दीदी बताती है कि यहाँ पर दो सिस्टर्स रहती थी, दो नहीं एक। और एक सिस्टर कैसे हो सकती है, अरे तो एक का घर दूसरा था, उनका एक का यहाँ पे था। देखो तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पर ना जब मिट्टी के घर होते हैं तो वहाँ उस पर पेंट नहीं होता, उस पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, जो गोबर से और मिट्टी को मिला के बनता है। तो उसका ये ब्रश है ऐसे करने के लिए दीवार पे, इससे चूल भी लिपते हैं, जो चूल्हा होता है ना उसे। हिमाचल से होते हैं, हिमाचल से होंगे उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्हें ये चीजें बहुत एक्साइटिंग लगेगी। और गाइज ये छोटा सा देखो, ये यहाँ पे बर्तन धोते थे, यहाँ पे बर्तन धोने की चीजें हैं, और एक यहाँ पे नल, ये नल लगा है हर घर नल वाली योजना के लिए उससे हमारे हिमाचल में। और गाइज इतने सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पर देखना, वाओ सी लैवेंडर कलर के, कितना सुंदर है यार, कितने प्रिटी लग रहे हैं। मतलब जो यहाँ पे रहता होगा उसके लिए कितनी ब्लेसिंग है, कितना पीसफुल है यहाँ पे रहना। मैं इमेजिन कर रही हूँ उनको यहाँ पे रहते हुए, सोच रही हूँ कितना मजा आता होगा उन्हें। पाल दीदी अंदर से देख रही है और गूंज रही है आवाज, यहाँ से तो आपको दिखेगा नहीं पर मैं ही देख सकती हूँ। कोई देखेगा ना हमें, पूरे चोर आया, हमें सोचेंगे स्टॉकर्स है यार, चलते हैं अब हम यहाँ से। खैर यहाँ तो कोई भी रह ही नहीं रहा, बट आई विश मैं इस घर को अंदर से भी देख पाती, कितना सुंदर होता मिट्टी का पूरा। मेरे नानी के घर में भी मिट्टी का रूम है एक, उसमें ना सर्दियों में गर्मी रहती है और गर्मियों में ठंडक रहती है, ये कुछ होता है मिट्टी के घरों वालों में। देखो बाय बाय घर, और यहाँ पे लोग खेतों में काम कर रहे हैं। अब हम भी चलते हैं वापस, अब हम यहीं पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं सीनरी, वेट कर रहे हैं। और पालदी ने एक चीज़ दिखाई, पालदी दिखाइयो, जो ये वाले वो होते हैं ना पत्ते, हम बचपन में से खाते थे क्योंकि ये खट्टे होते थे ना, तो भी बहुत बहुत खाते थे अभी। हाँ, बहुत खाते हैं इसका, नहीं अभी नहीं खा सकते। क्यों, गंदा थोड़ी होता है यार, तो अभी साफ भी तो नहीं है ना, यहाँ पे पानी साफ किससे करेंगे, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट मुंह में डाल देंगे इसको। मैंने तो खा लिया, ये खट्टा मीठा सा होता है यार ये, नहीं मुझे लगता है खेतों में चीजें साफ होती है, मेरा तो ये कुछ नहीं बिलीव करती हूं, यहाँ पे लोग चलते नहीं है। गाइस आज है बुड्ढी दिवाली जिसको कहते हैं, और आज गोवर्धन पूजा भी है, तो हम जा रहे हैं अभी और दिए जलाने, शाम हो गया ना, शाम के टाइम पे भी मंदिर में जलाते हैं दिए। थक गई मैं, सीधे आना यहाँ पर। चलो गाइस चलते हैं अंदर, ये तैयार हो गई है दिए की थाली आज के लिए। गाइस यहाँ पर इतनी ठंड बढ़ गई है ना रात में, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बस तो कोई कार्डिगन भी नहीं लाई थी मैं यहाँ पर, बट हाँ मैंने अंदर से वार्मर पहना हुआ है इसके, बट मैं सोच रही हूँ आगे वाले टाइम पे क्या हाल होगा जब अभी से ही ऐसा हाल है। ओ गॉड,
हुआ है।